हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और सबको बधाई हो उसकी। जय श्री राम। और मार्केट आज उसी के बिहाफ में आज क्लोज था, तो हम लोगों को आज एक छुट्टी का दिन मिल गया, जा तो नहीं पाए, ठीक है। पर कल मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है वो चीज हम लोगों को देखनी होगी। तो मेरी जो थ्योरी बनाई हुई है, दी मार्केट कंडीशन थ्योरी, ठीक है ना। तो मार्केट कंडीशन थ्योरी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे बनाया हुआ है आप दी मार्केट कंडीशन थ्योरी के ऊपर। तो किस तरीके की ये थ्योरी है, इससे आपको किस तरीके का फायदा हो सकता है स्टॉक्स में या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये थ्योरी खास करके बनाई गई है। तो आप जाकर के वो थ्योरी को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी देख लेते हैं कि मार्केट में मोमेंटम किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ यहाँ तक का ये जो एरिया है ये रिजेक्शन एरिया है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोगों को निफ्टी में क्या हो सकता है कि ये जो हाई है ना ये पहले टच करने जाएगा। मार्केट अगर ऊपर निकला तो ये हाई ऊपर की तरफ टच करने जाएगा। ये एरिया जो है वो 50% मार्केट का जोन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50% रिट्रेसमेंट का जोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है अभी के लिए। फिलहाल अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में की बात करें, थोड़ा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें, मैं ईएमएस को अगर हाइड कर दूँ, ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो साइडवेज जोन में था। फिर एक अच्छा खासा पुल बैक आया, उसके बाद गैप डाउन खुल करके करेक्शन हुआ मार्केट में, और अभी फिर से क्या हो रहा है, एक साइडवेज एरिया आ रहा है। हो सकता है ये फिर से साइडवेज के बाद ट्रेंडिंग में कन्वर्ट हो। तो हम लोगों को क्या है कि ट्रेंडिंग मार्केट जो है हम लोग कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो ट्रेंडिंग मार्केट अगर कैप्चर करना है आपको, ठीक है, तो ये थ्योरी को जरूर जा करके देखना चाहिए, ठीक है। और फेब्रुअरी बैच का जो अपडेट है वो मैं अभी दे देना चाहता हूँ। फेब्रुअरी बैच में अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो मेरी, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन कम्युनिटी बैच, फेब्रुअरी कम्युनिटी बैच, इस तरीके का मैसेज आप लिख करके भेज दीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट ही मौका है आपके पास, क्योंकि मंथ अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज है करेक्ट। अब हम लोगों को कंडीशन थ्योरी के हिसाब से करना क्या चाहिए, ठीक है। डेटा तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब मार्केट जो है वो नीचे आ रहा था, है ना। अगर हम लोग वीकली कैंडल की बात करें या फिर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल नेगेटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल भी बहुत बड़ी वीकली कैंडल नेगेटिव दिखाई दे रही है, पर ये दिक्कत आ रही है कि इसमें ऊपर जा करके ये क्लोजिंग किया है, ठीक है ना। अगर नीचे ये क्लोजिंग करता तो हम लोग बोल सकते थे समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर क्लोजिंग करता तो हम लोग बोल सकते थे यहाँ पर कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये सारे लो जो है वो टेस्ट करने के लिए या फिर गैप फिल करने के लिए जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है वो आ सकता है, ठीक है। कभी ना कभी ये 20,200 का गैप जो है वो फील करने मार्केट आ सकता है, पर फिलहाल के लिए हम लोग जो है वो इतने उसके डिटेल्स में नहीं जाते। अब यहाँ से दो दो रेंज हम लोगों को दिखाई दे रही है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 800-900 की रेंज पर दिखाई दे रहा है, और ऊपर का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 22,100-22,200 के लेवल पर हम लोगों को अभी के लिए दिखाई दे रहा है। नीचे सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग बना हुआ है 21,300 की लेवल पर, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। सपोर्ट है 21,300 का, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हो सकता है ऊपर के लेवल पर वो है 22,000 का। तो ऑप्शन सेलर अगर आप हो और इस हफ्ते आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप 21,300 का पुट सेल कर सकते हो और 22,000 का कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है तो इस लेवल के ऊपर जाने का, यानी कि 700 के ऊपर सस्टेन अगर करेगा मार्केट तो ऊपर की रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। दैट टू करें 21,900 तक की, 700 से लेकर 900 तक की हम लोगों को रैली देखने के लिए मिल सकती है, वो होता है 200 पॉइंट। और फर्दर रैली भी फिर कंटिन्यू होगी 22,000 तक की, हम लोगों को वो कैप्चर करने के लिए मिलेगी। अब ये सब कुछ कैसे होगा, क्या रीड करना पड़ेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो एलटीपी कैलकुलेटर के सिनारियों में हम लोगों को सिनारियो नंबर 1 में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो या फिर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, ये कंडीशन होनी चाहिए कि
हम लोगों को दोनों भी चलेंगे, वीक टू और स्टॉप दोनों चाहिए ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग एक वीक टू और स्टॉप चाहिए ठीक है। जैसे सपोर्ट अभी स्ट्रांग बना हुआ है तो रेजिस्टेंस अगर वीक टू और स्टॉप रहा तो ये ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है। तो ये सिनारियो हम लोगों को कंडीशंस में चाहिए 1.0 ठीक है। अब 2.0 में ये सिनारियो हम लोगों को देखना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, अभी लेट्स से 600 की स्ट्राइक प्राइस है, 21,600 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर हम लोगों को जो है वो कॉल राइटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए और पुट राइटर की जो रेड लाइन है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई भी दिखनी चाहिए। ये 600, 650, 700, 750, 800 इस तरीके से पुट राइटर्स हम लोगों को दिखाई देने चाहिए, तब हम लोगों को ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मार्केट में सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज, डेटा को रीड करना, एफआईएस और प्रोज क्लाइंट्स के डेटा को रीड करना, वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि एफआईएस का जो डेटा है वो एफआईएस का डेटा किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो एफआईएस के डेटा में हम लोगों को कॉल जो है वो शॉर्ट किए हुए दिख रहे हैं, एफआईएस ने कॉल सेल करके गए वो लोग 20 जनवरी को ठीक है, और पुट में जो है वो माइल्ड बुलिश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पुट उन्होंने सेल किए, तो एज कम्पेयर टू कॉल पुट ज्यादा क्वांटिटी में सेल किए, इसलिए उनका ओवरऑल व्यू जो है वो माइल्ड बियरिश बुलिश की तरफ जाता है, मतलब उनका बुलिश व्यू है अभी के लिए मार्केट में ठीक है। अब प्रोज की बात कर लेते हैं, ये जब 20 को जो पोजिशन बना करके गए, कॉल में इन लोगों ने क्या किया है, कॉल करीब करीब 1,19,000 क्वांटिटी कॉल में इन्होंने बाई किए, 1,19,000 क्वांटिटी इन्होंने कॉल बाई किए, मतलब इनका व्यू है बुलिश ठीक है, बहुत ज्यादा बुलिश यहाँ पर दिख रहा है, मीडियम बुलिश। अब पुट के साइड में इन लोगों ने क्या किया है, तो पुट को इन्होंने सेल किया है, ये भी इनका बुलिश व्यू ही दिखाता है इनका, इसका मतलब है कि कॉल ज्यादा बाई किए, इसका मतलब एग्रेसिव ऊपर जा सकता है हमारा ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा सकता है, 200 और 250 पॉइंट्स के करीब करीब मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, ये लोग देख रहे हैं मार्केट के अंदर ठीक है। अब क्लाइंट्स कौन है, रिटेल इन्वेस्टर, ये हमेशा एफआईएस डीआईएस के उल्टी ही पोजीशन इनकी रहती है और मार्केट इनके हमेशा अगेंस्ट में ही जाता है ठीक है। कल अगर गैप डाउन भी खुला मार्केट तो भी ऊपर जाएगा, गैप अप भी खुला तो भी ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये लोग देखो यहाँ पर ये लोग क्या करके गए, 1 लाख के अराउंड अराउंड कॉल सेल करके गए, और इन्होंने जो कॉल सेल किए वो क्या किया है, प्रोज ने बाय किया हुआ ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे तो जाने वाला नहीं है, ऊपर ही मार्केट जा सकता है ठीक है। तो पुट में भी इन्होंने क्या किया है, करीब करीब पुट भी इन्होंने बाय करके, ये पक्का फंसने वाले हैं, इन लोगों को प्रोज और एफआईएस ने फंसा दिया है, इनका ही पैसा ये लोग प्रोज और एफआईएस खाते हैं ठीक है, रिटेल का क्लाइंट का हमारा पैसा ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पुट में इन्होंने 83,898 क्वांटिटी जो है वो बाय की हुई है ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पुट अगर ये लोग बाय करके गए हैं तो पुट में बाइंग का मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो इनका पुट बहुत तेजी से नीचे आ सकता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है, 50 रुपए का पुट इनका 20 रुपीज 15 रुपीज पे भी खुल सकता है, अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग कर दी इन्होंने, और कल जा करके देखना गैप अप ओपनिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर भी सेल मत करना ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ तो सेलिंग के साइड में मत बैठना क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है, क्योंकि इनका डेटा जो है वो बुलिश नजर आ रहा है और हमेशा मार्केट जो है यही चलाते हैं, ये अपने फेवर में ही मार्केट को लेकर जाएंगे ठीक है। और बहुत सारे न्यूज भी है मार्केट में, अच्छी न्यूज भी है बुरी न्यूज भी है, पर हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग मस्ती से ऊपर जा रहे हैं और बहुत जल्द हम लोगों को हाई जो है वो ये देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है निफ्टी के अंदर ठीक है। ये हाई हम लोग बहुत ही जल्द, मतलब कल के कल ही ये हाई ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे पूरे पूरे चांसेस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ठीक है। तो यही है मार्केट कंडीशन थ्योरी, पूरे सेंटिमेंट्स को जानो, डेटा को रीड करो और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को मैनेज करो नेक्स्ट डे ठीक है। क्लाइंट्स के साथ कभी पोजीशन नहीं बनानी है, क्लाइंट्स जो सोचता है ना उसके बिल्कुल मार्केट अपोजिट होता है। अभी कल परसों मार्केट आपको गिरता हुआ दिखा, आपने सेलिंग की पोजीशन बनाई, दैट्स इट, खत्म करो उसको, क्योंकि उसके एक दिन पहले बियरिश पोजीशन जो थी एफआईएस और प्रोज की थी, तो मार्केट को थोड़ा सा निगेटिव जाना ही था, तो इंट्राडे में अपनी पोजिशन बनाओ, इंट्राडे में अपनी पोजिशन क्लोज करो, ओवरनाइट के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि ये जो रोलर कोस्टर है ये आप हैंडल नहीं कर पाओगे। देखो 1,000 1,000 पॉइंट, 1,500 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुल रहा है,
फिर से रिकवर कर जा रहा है, फिर से साइड हो रहा है, फिर से डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये इस तरीके का वोलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बजट के बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा इलेक्शन के जो महीने आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन होगा मार्केट में, तो बेहतर है आप लोग इन दिनों में कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और इंट्राडे में ही अपनी पोजिशन को कवर करने का सोचो, ठीक है। तो मेरे साथ अगर आपको लर्निंग करनी है तो आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा उस पर कांटेक्ट करके कम्युनिटी बैचेज जो है वो फेब्रुवरी मंथ का में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बजट डे को क्या किस तरीके से ट्रेड करना है हम लोग वहां पर सीखेंगे, ठीक है। बजट डे के दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट और बहुत बड़ा लॉस दोनों होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।